नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी जिसके अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाली है लॉ क्लर्क की यह वैकेंसी, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा LLB पास आउट स्टूडेंट या फिर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों से यह आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लॉ क्लर्क की यह वैकेंसी निकाली गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। तो क्या है योग्यता, कितने हैं पद, क्या होगी आवेदन करने की अंतिम तिथि, जानेंगे सभी बातें इसी वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपने गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा www.sarkaririzultwala.com और उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का यह पेज प्रदर्शित होगा, जिसके अंतर्गत इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवाई है, जिसके अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लॉ क्लर्क की यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत लॉ क्लर्क ट्रेनी के पदों के लिए टोटल 102 पदों की यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2020 रात्रि शाम 5 बजे तक रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2020 को आवेदक की मिनिमम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम आयु 26 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात आवेदक की आयु 21 से लेकर 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ना 21 से कम ना ही 26 से अधिक हो। इसके अलावा आयु सीमा में विभिन्न कैटेगरी वाइज आरक्षण अनुसार छूट का लाभ दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आवेदक के पास 3 ईयर या 5 ईयर की लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है, अर्थात LLB की डिग्री उसने पास कर ली हो, या फिर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का वह स्टूडेंट रहा हो। इसके अलावा उसे कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना, जिसके अंतर्गत डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न नॉलेज होना अनिवार्य होगा। लॉ क्लर्क की इस ट्रेनिंग की वैकेंसी के अंतर्गत 102 पदों की यह वैकेंसी है, जिसका फुल नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन का लिंक हमने हमारी वेबसाइट www.sarkaririzultwala.com पर आपको उपलब्ध करवाई है, साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहां से विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी इन्फॉर्मेशन, आइए मैं आपको इसका फुल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत 102 पदों की यह वैकेंसी है, जिसके आवेदन 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गए हैं और जिसकी आयु 21 से 26 वर्ष के बीच होना अनिवार्य होगा, और इसके अंतर्गत वेतनमान ₹15,000 पर मंथ दिया जाएगा। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट के लिए यह वैकेंसी है, अर्थात आपने LLB की डिग्री तो प्राप्त कर ली हो, परंतु आपने एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट बार काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं करवाया हो, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट, समस्त बातें इस विज्ञापन में यहाँ बताई गई हैं। इसकी लास्ट डेट जो बताई गई है वह 8 अगस्त 2020 5 बजे तक बताई गई है। लॉ क्लर्क की है ट्रेनिंग की वैकेंसी है, ₹15,000 पर मंथ दिए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 102 हैं। 3 ईयर या 5 ईयर की लॉ डिग्री आपने कर रखी हो। साथ ही बताया गया कि दोज हु हैव अपीयर्ड इन LLB फाइनल ईयर एंड अवेटिंग ऑफ द रिजल्ट, यदि आप परिणाम का इंतजार भी कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट आपके परिणाम में 55% मार्क्स आना अनिवार्य होगा। लॉ ग्रेजुएट के लिए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की वैकेंसी है। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज के ज्ञान होना भी जरूरी है। लॉ ग्रेजुएट वो हैव नॉट स्टार्टेड प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, अर्थात आपने अपने एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू नहीं की हो, परंतु आपने LLB की डिग्री प्राप्त कर ली हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और साथ ही आपकी आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 26 साल से अधिक भी नहीं होनी चाहिए।
सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, अर्थात आपका साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा वह भी यहाँ बताया गया है। पीरियड कितना होगा, मैरिड स्टेटस कैसा होना चाहिए, किस प्रकार आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत यहाँ बताया गया है। आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा गया है। ये इसका फॉर्म है, आप इसे फिल करेंगे और यही आपको सेंड करना होगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज ग्रेजुएटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाते हुए आपको यह फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें समस्त बातें आपको फिल करते हुए भिजवानी होगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए 102 पदों की ये वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकाला गया। तो यदि आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का लिंक हमने हमारी वेबसाइट www.sarkariresultwala.com पर आपको उपलब्ध करवाई है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।